नवरात्र शुरू होने वाले हैं। माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ नवरात्र में देश भर में गरबा की भी धूम रहती है। तमाम छोटे बड़े शहरों में गरबा के पंडाल सजते हैं, जहाँ युवक युवतियाँ गरबे की धुन पर नवरात्रि का जश्न मनाते हैं। लेकिन पिछले कई साल से सौहार्द का ये पर्व सांप्रदायिकता का रंग ले चुका है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सवाल उठते रहे हैं। गैर हिंदुओं को रोकने के लिए आयोजकों की तरफ से हर साल कुछ ना कुछ उपाय किए जाते रहे हैं। कभी तिलक लगाने की बाध्यता, तो कभी आधार कार्ड साथ लेकर आने पर ही गरबा पंडालों में प्रवेश। लेकिन गरबा पंडाल के आयोजकों को तब भी अपनी परेशानी का हल नहीं मिला, क्योंकि इनका मानना है कि तिलक लगाने की बाध्यता होने पर गैर हिंदू भी तिलक लगाकर गरबा पंडालों में प्रवेश कर जाते हैं। आधार कार्ड भी अब टेक्नोलॉजी के दौर में एडिट हो जाते हैं। ऐसे में इंदौर बीजेपी के अध्यक्ष एक नया आइडिया लेकर सामने आए हैं। सुनेंगे तो आप भी बोल उठेंगे, वाह क्या आइडिया है सर जी। गरबा माता की आराधना का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं, और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है, और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गो माता, हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गो माता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। कमाल का आइडिया लेकर सामने आने वाले ये महाशय कमल छाप निशान वाली पार्टी यानी बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष हैं। नहीं पहचानते तो नाम जान लीजिए, लोग इन्हें चिंटू वर्मा के नाम से जानते हैं। चिंटू वर्मा जी का मानना है कि आधार कार्ड तो कोई भी नकली बनवा सकता है, लेकिन असली वाला हिंदू गौमूत्र से इनकार नहीं कर सकता। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गो माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। पर आधार कार्ड को भी लेकर आपकी, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गो माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया वाले जी इस पे भी आएगा। भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो तैयार हो जाइए, अब की बार गरबा पंडालों में आपका स्वागत पवित्र गौमूत्र से हो सकता है। आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन अपने आप को असली हिंदू साबित करने के लिए गौमूत्र पीकर गरबा पंडाल के आयोजकों को बताना होगा कि असली में आप असली वाले ही हिंदू हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं।